नमस्कार, राम रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे रॉ मैंगो स्क्वैश, अर्थात कच्ची कैरी का स्क्वैश। तो उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है ये कैरी, पुदीना चुटा हुआ, उसको धोकर तैयार कर लिया है, चीनी, काला नमक, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। अब हम पहले इन कच्ची कैरियों को छीलेंगे और इनका जूस निकाल लेंगे। इसी प्रकार से इस पुदीने का भी हम अलग से जूस निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे बनाना प्रारंभ करेंगे। अब हमने इन कैरियों को छीलकर, काटकर पीसेस कर लिए हैं। अब हम इनका जूस निकालेंगे। तो ये कच्ची कैरी का ही जूस हमें निकालना है। यदि आपके पास जूसर है तो आप उसमें निकाल लीजिए, यदि नहीं है तो फिर मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर चर्न करें और छानकर जूस निकाल लें। इसी तरह से हम इन पत्तियों का ही जूस निकालेंगे और उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी हमारी जूस की बनेगी उसके आधार पर आगे की विधि पूरी करेंगे। अब हमने ये कैरी का जूस निकाल लिया है। ये जूस 600 ml है, तो इसलिए हम पुदीने का जो जूस है वो हम 150 ml लेंगे और ये दोनों जूस हम एक साइड रख देंगे और पहले हम शक्कर की चाशनी तैयार करेंगे। हमारा जूस दोनों मिलाकर के 750 ml होता है, तो हमें स्क्वैश के अंदर उससे डबल शक्कर डालनी होती है। मतलब शक्कर जो है वो हम 1.5 kg डालेंगे और पानी की मात्रा जूस के बराबर ही होती है, तो हम 750 ml पानी डालेंगे और साथ ही थोड़ी सी साइट्रिक एसिड डालेंगे 1/2 teaspoon, जिससे कि शक्कर की चाशनी जो होगी वो जमेगी भी नहीं और उसमें जो गंदगी होगी वो सब साफ हो जाएगी। हम इसमें 750 ml पानी डाल देते हैं। चीनी, पानी और साइट्रिक एसिड तीनों चीजें मिक्स करके इसे गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। इसकी हमें किसी प्रकार के तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा उसके 1 मिनट बाद इस गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है तो हम इसे 1 मिनट और बॉईल करके और गैस बंद कर देंगे और इस चाशनी को छान लेंगे। अब हमारी चाशनी ठंडी हो गई है तो हम इसमें जूस डाल देंगे। पहले ही हम पुदीने का जूस मिक्स कर देते हैं। और अपनी कैरी का जूस भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें काला नमक 2 teaspoon डालेंगे। काली मिर्च पाउडर 1 teaspoon एंड 1/2 teaspoon। भुने जीरे का पाउडर 2 teaspoon। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कि कितना अच्छा कलर आया है, लेकिन फिर भी और अच्छे कलर के लिए हम इसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे फूड ग्रीन कलर की डाल देंगे। अभी हमारा स्क्वैश बन करके तैयार हो गया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये स्क्वैश जो है लू से बचाता है हमें और शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तो इसलिए गर्मियों के अंदर बहुत ही अच्छा ड्रिंक है ये। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है और इसे हम
एक बॉटल के अंदर भरकर रख लेंगे। इसे हम महीने दो महीने आराम से रख सकते हैं। यदि और अधिक लंबे समय के लिए रखना है तो इसके अंदर हमें प्रिजर्वेटिव डालना होगा जो कि कहलाता है KMS पोटेशियम मेटाबाइल सल्फाइट। तो उसके वन पिंच 1 kg स्क्वैश के अंदर डाला जाता है। आइस क्यूब्स ले लेंगे और उसमें हम स्क्वैश डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर देंगे। बिट के ऊपर एक दो पत्तियां पुदीने की डाल देंगे। अब हमारा ये स्क्वैश पीने के लिए तैयार है। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।